हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग सापेक्षिक वेग के बारे में समझते हैं, जिसे हम रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, यहाँ पर हमारे राधे चाचा है, ठीक है, ये हमारे हो गए राधे चाचा, और इनका एक दोस्त है, ठीक है, इनका एक दोस्त है, वो है मजनू, ठीक है, ये मजनू इनका दोस्त है, ठीक है। दोनों गाड़ी के अंदर जाते हैं, ये राधे चाचा हो गए और ये मजनू हो गया। अब देखिए, राधे चाचा और मजनू को हम लोग समझते हैं, राधे चाचा और मजनू हो गया, दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, और एक वेग है, एक वेग हो गया दोनों का भी, ठीक है। यहाँ पर खोजू जो है वो ऑब्जॉर्बर है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये हमारा खोजू हो गया। अब देखिए, राधे चाचा जो है वो मजनू को देखेंगे, ठीक है, तो राधे चाचा जब मजनू को देखेंगे तो उनको लगेगा कि मजनू मेरे सामने खड़ा है, और उसका जो पोजीशन जो है, उसका जो स्थान जो है, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो राधे चाचा कहेंगे, यार मजनुआ जो है वो कहाँ पर है? रेस्ट में है, मजनू जो है वो रेस्ट में है। लेकिन वहीं पर खोजू जी जो है, खोजू देखेंगे कि अरे राधे चाचा पहले यहाँ पर थे, फिर गाड़ी के साथ राधे चाचा भी आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो खोजू कहेगा कि अरे यार, जो जो राधे चाचा है और मजनू है, ठीक है, मजनू जो है वो गाड़ी के साथ क्या हो रहा है? आगे जा रहा है, ठीक है, दोनों आगे जा रहे हैं। तो खोजू कहेगा कि राधे चाचा कहाँ पर है? मोशन में है, गति में है। लेकिन राधे चाचा क्या कहेंगे कि मजनू जो है वो कहाँ पर है? विराम अवस्था में है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सापेक्षिक वेग, मतलब सापेक्षिक वेग जो मजनू का है, ठीक है, जो मजनू का सापेक्षिक वेग जो राधे चाचा देख रहे हैं वो अलग है, और मजनू का जो सापेक्षिक वेग जो है वो खोजू देख रहा है वो अलग है, ठीक है। तो सापेक्षिक वेग क्या होता है? जैसे हमको, हमारे पास एक वेग है, जैसे यहाँ पर हमको ऐसे निकालना है, सापेक्षिक वेग किसका? मजनू का। मजनू का सापेक्षिक वेग निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में? कौन ऑब्जर्वर कहाँ पर है, कौन उन्हें देख रहा है? राधे चाचा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किसका है ये क्या है, सापेक्षिक वेग किसका है? मजनू का, राधे चाचा के रेस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर कौन, देखने वाले कौन है? राधे चाचा। किसको देख रहे हैं? मजनू को देख रहे हैं। तो मजनू का सापेक्षिक वेग, ठीक है, वो राधे चाचा के रेस्पेक्ट में कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे मजनू का जो वेग है उस वेग को हम लोग पहले समझेंगे, फिर क्या करेंगे, राधे चाचा का जो वेग है उससे उसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मजनू चाचा का सापेक्षिक वेग निकल गया, ऑब्जर्वर कौन है? राधे चाचा, ठीक है। अब खोजू है, अब खोजू भी मजनू को ऑब्जर्व कर रहे, तो अब यहाँ पर ये क्या है, सापेक्षिक वेग किसका? मजनू चाचा का, और ऑब्जर्वर कौन है, कौन देख रहा है? खोजू, खोजू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो खोजू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मजनू चाचा का हम लोग वेग को लिखेंगे, ये हमारा मजनू चाचा का वेग है, और फिर घटा देंगे किसके वेग में से? खोजू के वेग में से, खोजू के वेग में से हम लोग इसे घटा देंगे। समझ में आ गया? ये चीज ही आपको ध्यान से समझना होगा, यानी कि ये हम लोग किसका वेग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिख कर सकते हैं, हम लोग खोजू जो है, खोजू खोजू के रेस्पेक्ट में, खोजू के रेस्पेक्ट में खोजू ऑब्जॉर्बर है, राधे चाचा मजनू का, मजनू चाचा का वेग, मजनू चाचा का वेग, मजनू चाचा का वेग, ये हमको समझना होगा, मजनू चाचा का ये वेग है, या सापेक्षिक वेग कह सकते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग यहाँ पर अब समझ गए, यहाँ पर हमारे सामने यदि हम बोले कि बताइए मजनू चाचा का वेग मजनू चाचा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ये VM, ठीक है, यानी कि मजनू चाचा के वेग में से
हम लोग किसका वेग हटा देंगे, मजनू का ही वेग, क्योंकि मजनू ही अपने वेग को अब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमेशा क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना होगा कि किसी का सापेक्षिक वेग यदि वो ही खुद ऑब्जॉर्बर हो, ठीक है, तो वो शून्य के बराबर जो होता है वो आ जाता है। जैसे यदि मान लेते, इसको समझना है कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मजनू है, ठीक है, और मजनू है और कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई है ही नहीं, ठीक है। अब कोई नहीं है, अब मजनू जो है कुछ नहीं है, अब मजनू जो है कहीं पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और मजनू जो है मान लेते हैं कि चल रहा है, ठीक है, तो हमें मोशन का अनुभूति कब होता है? हमें मोशन का अनुभूति तब होता है, हम लोग उसको कैसे महसूस करते हैं, जब हम अपने अगल बगल की चीजों को पीछे जाते हुए देखते हैं और हम आगे जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम मोशन में हैं। यदि कोई कहीं पर कुछ भी नहीं है, समझ में, कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो हमें लगेगा कि हम कहाँ पर हैं, हम विराम अवस्था में हैं, ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल मजनू है, मजनू के अलावा और कोई नहीं है, तो वो अपने वेग को क्या समझेगा, वो शून्य समझेगा। जैसे मान लेते हैं कि एक 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 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर दिए, ये घर के अंदर है, ठीक है, समझ में, घर के अंदर एक कुछ नहीं है, रूम के अंदर ये है। अब रूम का कुछ वेग है, ठीक है, रूम का वेग है, मान लेते रूम का वेग ऐसे है, तो ये क्या इसको अपना वेग जो है वो खुद से, खुद के रिस्पेक्ट में इसे खुद का वेग महसूस होगा क्या? क्योंकि रूम जो है भी वेग से जा रहा है आगे की तरफ, तो ये मजनू जो है, मजनू क्या ऑब्जर्व करेगा? मजनू ये ऑब्जर्व करेगा कि उसका जो सापेक्षिक वेग है, जो सापेक्षिक वेग है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसको महसूस ही नहीं होगा कि वो वेग में है, यदि वो अकेले है तो रूम मूव कर रहा है, ठीक है, हवा के अंदर, ठीक है, तो वो कहे क्या यार, आराम से बैठा हुआ है, उसको कोई उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उसको लगेगा कि उसका जो सापेक्षिक वेग है उससे खुद के रिस्पेक्ट में वो क्या है, शून्य है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, अब आइए हम लोग इसकी परिमाण की बात करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने जो है एक एक वेग है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं, भी यदि ए बी की बात करें, भी ए बी, ठीक है, यदि हमारे सामने जो है दो ऑब्जेक्ट है, हमारे सामने जो है दो ऑब्जेक्ट है, देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो वेग है कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया हमारा v a, ये हमारा एक वस्तु का वेग हो गया, दूसरे वस्तु का वेग हो गया ऐसे v b, ठीक है, समझ में आ, दोनों वस्तु का वेग है। यदि हम लोग निकालना चाहते हैं आपेक्षिक वेग, किसका अपेक्षिक वेग ए का, दोनों के बीच में कोण बना हुआ है थीटा, अपेक्षिक वेग ए का, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में कौन ऑब्जर्वर है, कौन देख रहा है, बी जब ए को देखेगा, तो सबसे पहले अपेक्षिक वेग यहाँ पर ए लिखेंगे, और ऑब्जर्वर कौन है, वो है हमारा बी, बी ऑब्जर्व कर रहा है किसको, ए को, ठीक है। अब ये अपेक्षिक वेग को आपको समझना होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए, सबसे पहले ए का वेग ऑब्जॉर्ब हो रहा है किसके द्वारा, माइनस वी बी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर और कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा वी ए प्लस माइनस वी बी, ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ इस प्रकार से बढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमें वी ए बी का परिमाण लिखना है, जैसे यहाँ पर वी ए बी है, इसका हमें परिमाण निकालना है, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र को पहले हम लोग समझते हैं, सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वी ए के परिमाण का वर्ग कर देते हैं, वी ए सदिश के परिमाण का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, वी ए सदिश के परिमाण का हम लोग वर्ग कर दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, भी वी सदिश के परिमाण का हम लोग वर्ग कर देंगे, तो भी वी माइनस भी वी सदिश का परिमाण क्या होगा, भी वी सदिश
सदिश के परिमाण के बराबर ही होगा, तो इसका परिमाण का वर्ग इसका परिमाण का वर्ग हो गया। फिर क्या होगा, प्लस 2 VA इंटू वी बी। अब यहां पर ध्यान देने वाली योग्य बात है कि वी ए ऐसे है, ठीक है, वी ए ऐसे है, वी बी तो ये इस सदिश में और इस सदिश के बीच में जो कोण बनेगा क्या वो थीटा होगा क्या, तो ये सदिश और ये सदिश के बीच में कोण थीटा बनेगा क्या, तो जवाब होगा नहीं। थीटा किसे किसके बीच में कोण बना हुआ है, वी ए सदिश और वी बी सदिश के बीच में। हमें कोण किसके किसके बीच में चाहिए, वी ए सदिश और माइनस वी बी सदिश के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग वी बी सदिश को पलटेंगे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पलटेंगे तो ये हो जाएगा, ये वी बी सदिश ऐसे है तो माइनस वी बी सदिश उसका परिमाण, इन दोनों का परिमाण समान होगा, ठीक है, यानी हेड से टेल तक का डिस्टेंस समान होगा और दिशा बिल्कुल भी विपरीत हो जाएगी। अब यदि यह कोण जो है वो थीटा है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा जी, दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे, एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यही दोनों सदिशों के बीच का कोण जो है वो है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो हम लोग इन दोनों सदिशों, इस सदिश और इस सदिश के बीच में कोण कितना बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वी ए बी का जो परिमाण जो है हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख दिया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, वी ए सदिश का परिमाण का वर्ग जोड़ वी बी सदिश के परिमाण का वर्ग जोड़ 2 गुने वी ए सदिश का परिमाण इंटू वी बी सदिश का परिमाण। अब दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एंगल को समझिए, कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस कॉस थीटा ही होगा। वी ए बी का परिमाण हम लोग लिख देते हैं कितना हो जाएगा, समझिए इस बात को, यहाँ पर अब हम लोग इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वी ए सदिश का परिमाण का वर्ग जोड़ वी बी सदिश के परिमाण का वर्ग माइनस 2 VA वी बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये हो गया, ठीक है, अब होगा ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि थीटा का मान 0 डिग्री होगा, इसको इस कंडीशन को हम लोगों को समझना होगा, थीटा का मान के बारे में समझना होगा, कंडीशन एक हो जाएगा, जो पहला कंडीशन ये होगा कि वी ए और वी बी थीटा का मान 0 हो जाए, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो कब थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, जब वी ए और वी बी का जो दिशा हो जाएगा वो समान हो जाएगा, तभी ना थीटा का मान 0 होगा। तो ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा वी ए, ठीक है, और वी बी का दिशा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, वी बी हो जाएगा ऐसे, ठीक है, वी बी हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना ये है कि अब वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी निकालना है, देखिए यहाँ पर वी ए बी निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इस वाले कंडीशन में, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी ए का वर्ग जोड़ वी बी का वर्ग, ठीक है, वी बी का वर्ग माइनस 2 गुने वी ए गुने वी बी, वी ए गुने वी बी, और दोनों के बीच में जो कोण बना है वो 0 डिग्री बना है, तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। तो वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए का वर्ग कर देंगे हम लोग, ठीक है, जोड़ वी बी का वर्ग, वी बी का वर्ग माइनस 2 VA VB, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, वी ए माइनस वी बी का ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, क्यों हो गया, क्योंकि यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB है, तो ये वर्ग हो गया, तो वी ए बी कितना हो जाएगा, वी ए बी कितना हो जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान से समझना होगा, वी ए माइनस
भी हो जाएगा यदि दोनों का दिशा समान हो जाएगा तो। ठीक है, अब क्योंकि ये भी क्या है, ये है हमारा जो सापेक्षिक वेग का परिमाण है। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा तो इसको हम लोग मॉड में रखेंगे, यदि ये निगेटिव भी आया तो ऋणात्मक भी आया तो उसको हम लोगों को धनात्मक कर देना होगा। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसका वेग है हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, और कोई वस्तु है भी है, यहाँ पर भी हो गया, भी जो हो गया वो 5 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो यदि हम लोगों को देखना ये है कि हमको भी ए भी निकालना है, तो भी ए भी निकालना है तो भी ए भी कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग भी ए में से क्या घटा देंगे, भी दोनों का दिशा है जिससे मैं थीटा शून्य है, तो ये सूत्र लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हम लोग इन दोनों को यदि हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से हम लोग 10 घटाएंगे, उसका मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, भी ए माइनस भी हो जाएगा, तो भी ए 5 है, भी ए का परिमाण, और भी 10 है, तो ये आएगा -5, लेकिन उसको लेना क्या है, -5 आ जाएगा, लेकिन आपको लेना है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारा भी ए भी आ जाएगा यदि दोनों का दिशा समान होगा तो। अब देखिए, यदि दोनों का दिशा विपरीत हो जाए, दूसरा जो कंडीशन है उसको समझिएगा, दोनों का दिशा विपरीत हो जाए, तो विपरीत होने का मतलब क्या, भी यदि ऐसे है, ठीक है, यदि भी आगे की तरफ है तो भी किसकी तरफ हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, दोनों का दिशा बिल्कुल भी विपरीत है। ठीक है, भी और भी की दिशा बिल्कुल भी क्या है, विपरीत है, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री, ये ना बन जाएगा। तो पाई बराबर कितना हो जाएगा, एंगल थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालना चाहते हैं भी ए बी, तो भी ए बी हम लोग निकालना चाहते हैं तो कितना होगा, भी ए बी कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले रूट अंडर भी ए का पहला सदिश वर्ग जोड़ भी बी का वर्ग -2 भी ए भी बी इंटू कॉस 180 डिग्री। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग भी ए का वर्ग जोड़ भी बी का वर्ग, अब कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1, तो -1 में गुना करेंगे तो 2 भी ए भी बी, यही ना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना हो जाएगा, भी ए जोड़ भी बी का वर्ग। ठीक है, अब स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, भी ए जोड़ भी बी। ठीक है, इसका परिमाण आ जाएगा, ये तो हमेशा इसको हम लोगों को भी ए भी धनात्मक है और भी ए भी धनात्मक है, भी बी भी धनात्मक है, तो इसमें मॉड वोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर एक क्वेश्चन हम आपको बता देना चाहते हैं, दोनों सदिश का दिशा बिल्कुल भी विपरीत होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड आगे की तरफ है, ये हमारा हो गया भी ए, और भी बी जो है आपको ध्यान देने की बात है, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, और इसका दिशा जो है वो पीछे की तरफ है, तो दोनों के बीच में कोण जो बन गया है वो 180 डिग्री के बराबर बन गया है, तो जो परिणामी सदिश होगा भी ए बी वो कितना हो जाएगा, दोनों जो हमारा वेग है, दोनों वेग के परिमाण को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड प्लस 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में, क्योंकि एंगल कितना बना हुआ है, 180 डिग्री बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सापेक्षिक वेग है किसका, ए का, बी के रिस्पेक्ट में, वो कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी, थीटा यदि 0 डिग्री बने तो जो सापेक्षिक वेग होगा दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगा और धनात्मक लेना है, और यदि थीटा यदि 180 डिग्री बन जाए, दोनों विपरीत दिशा में हो जाए, तो जो हमारा सापेक्षिक वेग होगा दोनों वेग के परिमाण के जोड़ के बराबर हो जाएगा, तो ये कंडीशन होती है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने थोड़ा इसको हम लोग मिटा देते हैं,
अब देखिए कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये हमारे राधे चाचा हैं, ठीक है, ये हमारे राधे चाचा हैं, और राधे चाचा का जो वेग है, VR जो है, वो कुछ इस प्रकार से है, 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये राधे चाचा का वेग है, समझ में आ। वहीं पर ये हमारे खोजू हैं, ठीक है, खोजू हैं, खोजू का जो वेग है, ठीक है, वो है VK, और वो है हमारा 8i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारे खोजू का वेग है। आप और ये है आप, ठीक है, ये आप हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बाबू, राधे चाचा का वेग आपको, चाहे खोजू का वेग निकालना है, और किसके सापेक्ष में? राधे चाचा। राधे चाचा जो है वो खोजू को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ठीक है, टुकुर टुकुर खोजू को देख रहे हैं। तो खोजू का जो वेग होगा राधे चाचा के सापेक्ष में, वो कितना होगा? तो ऑब्जॉर्वर क्या हो गए? राधे चाचा, तो बाद में राधे चाचा हो गए, और किसके वेग को ऑब्जॉर्व किया जा रहा है? खोजू के। तो ये हमारा VKR हो जाएगा, ठीक है, तो VKR हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले VK-VR लिखेंगे, ये हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। तो VK कितना है हमारा? VK हमारा ये हो गया, तो VK की जगह पर हम लिख सकते हैं 8i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारा हो गया VK। और VR, माइनस VR की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया VR। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? देखिए, 8i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, घटाएंगे हम लोग, -10i कैप इसमें से इसको घटाएंगे, -4j कैप इसमें से इसको घटाएंगे, -3k कैप, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग 8i कैप में से 10i कैप को घटा देते हैं, तो 8i कैप में से 10i कैप को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -2i कैप। अब -4j कैप में से यदि -4j कैप घट जाता है तो क्या हो जाएगा? -8j कैप। 5k कैप में से 3k कैप घट जाता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा +2k कैप हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसी प्रकार से सापेक्षिक जो वेग है वो निकल गया। यदि कोई पूछेगा सापेक्षिक वेग का आपको परिमाण निकालना है, तो परिमाण भी हम लोग बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारा परिमाण? देखिए, इसको हम लोग परिमाण के रूप में क्या करेंगे? -2 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, -2 का सबसे पहले हम लोगों ने वर्ग किया, फिर हम लोग किसका वर्ग करेंगे? -8 का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है, और फिर प्लस ये 2 का वर्ग हम लोग कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। -8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? √72, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सापेक्षिक वेग का परिमाण, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग और चीजों में भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि हमारा जो है एक वस्तु, मान लेते एक वस्तु ऐसे जा रही है, पूरब की तरफ जा रही है, ठीक है, पूरब की तरफ जा रही है, और इसका जो वेग है पूरब की तरफ जाने का, ठीक है, 4i कैप है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रही है, 4i कैप है, ठीक है। फिर यहां पर ये हमारा वस्तु का, ये कोई वस्तु है, मान लेते ए है, ठीक है, तो ए हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई दूसरी वस्तु है, कोई दूसरी वस्तु है, वो जा रही है आपका उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ जा रही है, VB जा रही है, और वो है हमारी 3j कैप, ठीक है, 3j कैप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना ये है
पांच सेकेंड के बाद, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में जो दूरी होगी आफ्टर 5 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड, ठीक है, टी बराबर 5 सेकेंड, दोनों के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है, ये आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका गति कितना है, v का गति कितना है, v का गति शुरू में कहाँ पर है, शुरू में दोनों जो है वो यहाँ से स्टार्ट करा है, ऑरिजिन से स्टार्ट करा है, ठीक है, ऑरिजिन से मान लेते हैं दोनों स्टार्ट करा है। तो आप देखेंगे 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद, क्योंकि 4i कैप है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 20 मीटर चला जाएगा, ठीक है, 20 मीटर आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही, यानी कि ये पोजीशन हो जाएगा किसका, ये पोजीशन हो जाएगा ए का, ठीक है। और 5 सेकेंड बाद जो वीवी है इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये बी का पोजीशन हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाए। अब दोनों के बीच की दूरी निकाला है, दूरी निकालने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक है, ऑरिजिन है, तो दोनों के बीच की दूरी हम लोगों को निकालनी है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये हो गया, क्योंकि 5 सेकेंड स्पीड है 3 और 5 सेकेंड है, तो कितना ऊपर गया होगा, 15 मीटर ऊपर चला गया होगा, तो दोनों के बीच की दूरी निकालने का मतलब क्या है, ये वाला ए बी निकाल लेना। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा, क्योंकि एक जो है पूरब की तरफ और एक जो है उत्तर की तरफ है, तो दोनों के बीच में जो कोण बन जाएगा वो 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा। तो क्या अब ये आपको ए बी निकाल सकते हैं क्या, ए बी कितना हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लंब का वर्ग कर देंगे, ठीक है, लंब का वर्ग जोड़ किसका, आधार का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और आधार का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, तो दोनों को यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बस हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे, 15 का यदि हम लोग वर्ग कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा √625, 625 को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 5 से तोड़ेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 25 का, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25, ठीक है, 25 मीटर दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये दूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अगले क्लास में अगला वीडियो हम लोग